तो बेटा जी आते रहेंगे बच्चे, इन्हें तो आदत है बेटा। अब निकालनी है पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू का मतलब क्या हुआ बेटा? आई नॉट रूट टू टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। आई नॉट इक्वल्स टू बेटा 69 पाई अपॉन 26 रूट 2। ये होगी बेटा पीक वैल्यू ऑफ द करंट। जरा देखो एक सेकेंड, यहां मैं पानी पी के आता हूं। तो बेटा ये होगी मेरी पीक वैल्यू। अब है ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालो। सेकंड पार्ट बेटा, पहले वीएल आई आरएमएस इनटू एक्सएल 69 पाई अपॉन 26 और एक्सेल कितना था बेटा 8 पाई। बहत्तर दो सात 48 7 55 अपॉन 26। बीसी इक्वल्स टू बेटा आई आर एम एस इंटू एक्ससी और बीसी 69 पाई अपॉन 26 इंटू एक्ससी। एक्ससी कितना है बेटा 500 अपॉन 3 पाई। पाई से पाई, तीन से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। 23 इंटू 500 अपॉन 26। तो बीसी इक्वल्स टू बेटा 5 या 15 1 10 और 11 अपॉन 26 वोल्ट। ये बेटा डिवाइड कर लेना बस। बड़ी जल्दी आ जाते हैं, सब नींद में है बेटा। अब तीसरा पार्ट बेटा क्या कहा है, व्हाट इज द पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। और बेटा ये डेरिवेशन की थी, पावर इन इंडक्टर जीरो होती है, पावर इन कैपेसिटर जीरो होगी, नेट पावर भी जीरो होगी। व्हाट इज द टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। ना इंडक्टर में होगी ना कैपेसिटर में, पर एब्जॉर्ब पावर होगी बेटा पी इक्वल्स टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ई आर एम एस कितना था बेटा 230। आई आर एम एस कितना है बेटा 69 पाई अपॉन 26। और बेटा बस इसे सॉल्व करते हैं। देखो कोई भी डाउट है तो बेटा बात करते हैं। हेलो जी, जी यूज कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस वैल्यू 4 लाख नहीं मैम, नहीं मैम, थैंक यू। उसके बाद बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 20। 19 बेटा एक क्वेश्चन का रेफरेंस है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं।
20 में क्या कहा है, ए सीरीज एलसीआर सर्किट एल दिया है, सी दिया है, आर दिया है, कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई. व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम. वही रेजोनेंस का केस है, पूरा एलसीआर है बेटा, खुद करिए 20. उसके बाद आता है 21. ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट. एल और सी दिया है बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, खुद करिए. क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कुछ बेटा एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं और वो जरा देखो आप. पहला क्वेश्चन है, इन एनी एसी सर्किट इज द सप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज एलिमेंट ऑफ द सर्किट. इज द सेम ट्रू फॉर द आरएमएस वोल्टेज. कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आरएमएस वैल्यू है या पीक वैल्यू हो, जो एल्जेब्रिक सम केवल एसी सोर्स में एल्जेब्रिक सम नहीं होता, डीसी सोर्स में एल्जेब्रिक सम होता है. एक एल लगा है, एक आर लगा है, एक सी लगा है. यदि डीसी सोर्स है तो उनके वोल्टेज प्लस होते चले जाएंगे, लेकिन यदि आपने एसी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है तो एल्जेब्रिक सम नहीं होता. उसका जो वोल्टेज होती है वो होता है ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर. तो इन केस ऑफ एसी देयर इज नो एल्जेब्रिक सम, बट इन केस ऑफ डीसी इट वुड बी एल्जेब्रिक सम. सेकंड, ए कैपेसिटर इज यूज्ड इन ए प्राइमरी सर्किट ऑफ एन इंडक्शन कॉइल. कैपेसिटर इज यूज्ड इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ एन इंडक्शन कॉइल, क्योंकि बेटा जो इंडक्शन कॉइल होती है उसे इंस्टेंटेनियसली एनर्जी डिलीवर करनी होती है. आपके घर में इंडक्शन फर्नेस है, उससे पहले कैपेसिटर लगा हुआ होगा. कैपेसिटर डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा और एसी को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करेगा, उसके बाद उसमें इंडक्शन पॉसिबल है. जैसे हमने एलसी सर्किट पढ़ा था, एक कैपेसिटर के साथ इंडक्टर लगाते हैं, दोनों आपस में एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं और एवरेज एसोसिएटेड पावर क्या होती है, जीरो. नाउ सी पार्ट, एन अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ डीसी वोल्टेज एज एन एसी वोल्टेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी. द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज शो दैट डीसी सिग्नल विल अपीयर अक्रॉस सी एंड एसी सिग्नल अक्रॉस एल. बेटा जी, एल में जब आप एक्सएल की बात करते हो और एक्ससी की, तो एसी सिग्नल किसमें होगा या किसमें नहीं होगा? एक्सएल होता है बेटा 2πν L, एक्ससी होता है बेटा 1/2πν C. When न्यू इक्वल्स टू जीरो, फ्रीक्वेंसी यदि जीरो है तो एक्सएल तो जीरो हो जाएगा, पर एक्ससी क्या होगा बेटा, इंफिनिटी होगा. तो जिसमें जीरो है वो बेटा उसमें अपीयर नहीं होगा, और इंफिनिटी वाला बेटा उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा. इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, या मैं अनडिफाइंड टर्म है, मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू. एक इसमें चौक कॉइल का कॉन्सेप्ट होता है. ए चौक कॉइल इन सीरीज विद द लैंप इज कनेक्टेड टू द डीसी लाइन. द लैंप इज सीन टू शाइन ब्राइटली. इंसर्शन ऑफ द आयरन कोर इन द चौक कॉज टू नो चेंज ऑफ द लैंप्स ब्राइटनेस. प्रिडिक्ट द कोरस्पोंडिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द कनेक्शन इन एन एसी लाइन. डीसी लाइन में मैंने भी कहा था, जब इंडक्टर और बल्ब को सीरीज में लिया हुआ था और मैं उसमें आयरन रोड इंजर्ट करूं तो ब्राइटनेस चेंज नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द इंडक्टेंस. एक्सएल जीरो रहता हमेशा, बट एसी के केस में जब एक्सएल बेटा बढ़ेगा, वोल्टेज उसके अक्रॉस बढ़ेगी, तो ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम. मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं. Why the choke coil need in the use of the fluorescent tube of an AC mains? आपके घर में जितनी भी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं,
उन सब में चोक कॉइल होती है। और चोक कॉइल का मतलब होता है बेटा, चोक कॉइल मिनिमाइज द वोल्टेज बीइंग विदाउट एनी लॉस। जो बेटा 40 वोल्ट की क्या होती है ट्यूबलाइट होती है, 40 वोल्ट की, और मेन लाइन होती है बेटा 220, तो 220 को 40 में वो कन्वर्ट कर देता है बिना किसी लॉस के। दैट मीन्स वोल्टेज कम कर देगा और करंट को बढ़ा देगा। अब बेटा इसके बाद जो ये तीन क्वेश्चन है, एक है 22, एक 24 और एक 25। 25 एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और जो क्वेश्चन बेटा नहीं आता है, आपको नहीं बात समझ आती है, उससे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 23। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर 2300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद द प्राइमरी वाइंडिंग है 4000 टर्न्स। What should be the number of turns in the secondary in order to get the output power 230 volt? तीनों ही ट्रांसफॉर्मर पर बेस्ड क्वेश्चन है और बेटा बहुत आते हैं ये, और ध्यान से देखेंगे जरा एक एक, और ये LCR और पावर फैक्टर के एक एक क्वेश्चन मैंने बताए थे बेटा। तो इनमें बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है 23। सारे तीनों क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर के हैं। 23 एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है बेटा, और उसमें जो इनपुट पावर है मींस ईपी 2300 वोल्ट, 2300 वोल्ट है बेटा। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग जो एमपी है वो 4000 टर्न्स, 4000 टर्न है बेटा। अब व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, मुझे एनएस निकालना है बेटा, तब जब ईएस कितना है 230 वोल्ट। तो फॉर्मूला था बेटा एनपी अपॉन एनएस इक्वल्स टू ईपी अपॉन ईएस। एनपी 4000, एनएस निकालना है, ईपी 2300, ES 230, 10, NS equals to बेटा 400, कितने टर्न होंगे बेटा 400 टर्न। ब्रेवेज, सुधांशो, कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके okay. अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 करा दो। 24 बेटा, एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वाटर प्रेशर हेड इज एट द हाइट ऑफ 300 मीटर। एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट है बेटा 300 मीटर ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, इतना ही होता है बेटा। एच कितना है 300 मीटर। अब एंड वाटर फ्लो अवेलेबल टंकी 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दिया है बेटा 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इफ द टर्बाइन जनरेट एफिशिएंसी 60%, एफिशिएंसी कितनी है बेटा 60%, मतलब जितनी एनर्जी उसे मिलेगी उसके 60% इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा। ओके, एस्टीमेट द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट। पहले निकालो बेटा मास, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
तो m अपॉन t मास तो क्या होगा v अपॉन t इनटू रो, m अपॉन t दैट इज द 100, डेंसिटी वाटर की होती है 1000, m by t इक्वल्स टू 10 की पावर 5 केजी पर सेकेंड। अब वर्क डन निकालो पर यूनिट टाइम, इसे क्या कहते हैं बेटा पावर, क्या होगा एम जी एच अपॉन टी, एम अपॉन टी कितना होता है 10 की पावर 5, जी 9.8, एच बेटा 300, तो पावर होगी बेटा कितना 3 8 24, 2 3 27, 2 29 इंटू 10 की पावर बेटा 7 वॉट। इतनी पावर जनरेट की 300 मीटर ऊपर से, जब 100 मीटर क्यूब पर सेकंड से पानी गिरा, एक सेकंड में कितनी पावर जनरेट हुई। अब निकालो बेटा इलेक्ट्रिक पावर, 60% ऑफ पी, तो 0.6 इंटू 29.4 इंटू 10 की पावर 7, 6 24, 2 6 54 और 2 56, 5 6 12, 5 17। इतनी पावर बेटा वो जनरेट करता है। बोर्ड में तीनों क्वेश्चन में कंपटीशन होता है, एक बार ये। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी बात नहीं समझ आई है तो बात करो। अनुष्का? यस सर, क्लियर है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। सर ये 60% ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? 60% ऑफ पावर, ये एफिशिएंसी है ना बेटा, जितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है उसके 60% वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है सर। अब बेटा देखो लास्ट क्वेश्चन, हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पूरी पावर ट्रांसमिशन लाइन है उसका, उससे कंसर्निंग क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो क्या कहा है, स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 8 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। एक कोई छोटा सा टाउन है बेटा, उसे 800 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर 220 वोल्ट पर चाहिए। सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक प्लांट, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से 15 किलोमीटर दूर है। इलेक्ट्रिक जनरेटिंग पावर इज 440 वोल्ट, और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो 440 वोल्ट पर होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर ऑफ लाइन कैरिंग ए पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। जो दो वायर यूज हुई हैं उनमें से इसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर किलोमीटर है। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू 4000 टू 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और जो बेटा टाउन है उसे जो पावर मिलती है ट्रांसफॉर्मर लगाया है जो 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। एट द सब स्टेशन इन द टाउन एस्टीमेट द इलेक्ट्रिक पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, हाउ मच पावर मस्ट बी सप्लाई, मस्ट द प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग देयर इज नो नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू द लीकेज, एंड कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट। प्लांट में जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखो। तो बेटा जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे
और तभी बेटा आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो बेटा मैंने बताया था कि जो बेटा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप होता है। तो क्वेश्चन नंबर है ये 25, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर एक ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसमिशन लाइन है 15 किलोमीटर, ये भी 15 किलोमीटर, और यहां पर बनेगा स्टेप डाउन, ये टाउन में एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। और इसकी वोल्टेज रेटिंग है बेटा, ये स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है, इसकी वोल्टेज रेटिंग है किसमें कन्वर्ट करता है, 4000 वोल्ट से 220 वोल्ट। जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है सुधांशु जी, वो 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट में चेंज करता है। और यहां पर जो पावर है इसकी, पावर 800 किलो वाट एट 220 वोल्ट, ये बेटा इसकी पावर। तो यहां से पहले इसमें जो सेकेंडरी कॉयल है, ये बेटा S1 है सेकेंडरी कॉयल, ये है प्राइमरी कॉयल P1, ये भी बेटा इसकी क्या है, सेकेंडरी कॉयल है। तो इसमें पहले करंट निकालो कितना करंट होगा, और उस करंट को निकालने का तरीका क्या है। बच्चे मन मर्जी से हो रहे हैं बेटा, जब मर्जी आते हैं जब मर्जी जाते हैं, तो बेटा सुनो सबसे पहला पार्ट चल रहा है। पावर होता है बेटा यहां पर EP into IP, जो पावर जनरेट होगी वो सेकेंडरी कॉइल में होगी इसमें, तो ES into IS। पावर कितनी है बेटा, 8 × 10³ वोल्टेज 220 × IS, तो IS इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया, 800,000/220। कितनी करंट बेटा जनरेट होगी इसमें, जीरो से बेटा जीरो, तो IS इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर दू 40,000/11 एम्पियर। इतनी करंट किसके अंदर थी, कहां सेकेंडरी कॉइल, ये था बेटा IS1, किसके अंदर ये करंट थी। सर आपने अपना माइक म्यूट कर लिया, सर सर आप म्यूट हो गए, आप बेटा ये लैपटॉप, सर अब सही है,
आप बुक रखी हुई थी ना बेटा, तो बेटा जी मैंने इसमें करंट निकाल लिया, ये इसका करंट है। अब यहां पर देखो आप, यहां पर पावर बिल्कुल सेम होती है। मैंने क्या कहा था कि देयर इज नो लॉस ऑफ द पावर, पावर में कोई लॉस नहीं होगा। जितनी प्राइमरी में पावर थी उतनी बेटा क्या होगी, सेकेंडरी में पावर होगी। तो यहां पर P पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट, इसमें पावर क्या होगी, ई पी प्राइमरी इंटू आई पी ई एस इंटू आई एस। तो आई पी इक्वल्स टू बेटा ई एस वन इंटू आई एस वन अपॉन ई पी वन। अब यदि मैं पावर निकालूं, सॉरी करंट निकालूं, तो आई पी इक्वल्स टू ई एस वन जो सेकेंडरी वाली कॉइल का ई एम एफ था वो 220 था, ये था बेटा 220। आई एस वन कितना है बेटा, 4000 डिवाइडेड बाई 11, और ईपी वन कितना बेटा, 4000, दो जीरो से दो जीरो, तीन जीरो से तीन जीरो, चार से हो गया बेटा 10, 11 दूनी हो गया बेटा 22। आईपी करंट होगी बेटा 200 एम्पियर। दैट मीन्स इसके अंदर यहां से 200 एम्पियर की करंट पास हो रही थी, 200 एम्पियर। पहले आउटपुट पावर दी हुई थी, कितनी पावर थी बेटा, वो 1 किलोवाट इतने वोल्ट पर। मैंने वहां से करंट निकाल लिया, जितनी पावर इसमें होगी उतनी पावर इसमें होगी, पावर को इक्वेट कर दिया, यहां से आई पी निकल गया। अब मुझे क्या क्या निकालना है, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब कितनी हीट जनरेट होगी वो बेटा पहले हीट निकालो। हीट क्या होगा बेटा, आई स्क्वायर इंटू आर ई। पहले रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन का रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू बेटा कितनी थी, 15 किलोमीटर, ये 15, ये 2 × 15, और 1 किलोमीटर का कितना रेजिस्टेंस था बेटा, 0.5, 5 × 10 रेजिस्टेंस आ गया बेटा 15 ओम। करंट होगी बेटा ये। अब क्या निकालनी है बेटा, पावर लॉस क्या होता है बेटा, आई पी स्क्वायर इंटू आर। तो पावर लॉस ए पार्ट है, पावर लॉस इक्वल्स टू आई स्क्वायर 4 × 10^4 × 15, 15 × 60, 60 किलोवाट, 600 किलोवाट। दिस इज द पावर लॉस, केवल 15 किलोमीटर दूर से। जब बेटा मैं करंट लेके आता हूं तो 600 किलोवाट तो बेटा पावर लॉस हो जाता है। ऐसे बच्चों का क्या फ्यूचर रहेगा बेटा, जिन्हें मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूछे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। 17 बच्चे ज्वाइन करते हैं यार, ये लास्ट तक इन्हें इतनी तेज भूख लगाती है, 13 बच्चे 12 बच्चे रह जाते हैं, इन्हें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है नहीं है, इन्हें बस भागने में लगा रहता है। और वो ज्यादा है जिन्हें फीस भी नहीं देनी होती, एक बार ज्वाइन करेंगे अपने बैठ गए, क्योंकि बिना लेना ना देना सडियल्स। तो सुधांशु बेटा यहां तक समझ गए बात, पहले हमने करंट निकाला इसका, फिर करंट निकाला बेटा इसका इनपुट का, फिर निकाल लिया रेजिस्टेंस, ये हो गया बेटा पावर लॉस। अब दूसरा पार्ट, हाउ मच पावर मस्ट बी प्लांट सप्लाई, कितनी प्लांट सप्लाई करेगा,
तो जो बी पार्ट है बेटा पावर सप्लाई, एक तो 600 जितनी वेस्ट हुई हुई है वो, और कितनी इसे यहां चाहिए, कितनी बेटा 800, तो पावर सप्लाई होगी 1400 किलोवाट। और मैंने आपसे बताया था इंडिया में 80% के अप्रोक्स एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तू यहां लगा ले 800 किलोवाट की रिक्वायरमेंट थी और उसमें से 600 किलोवाट तो 15 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन में वेस्ट होगी। अब 800 का 600 कितने परसेंट है तू निकाल ले, कितने परसेंट होगा, 8 × 64 अप्रोक्सीमेट 80% होगा। अब बेटा तीसरा पार्ट, हाउ मच पावर, ये तो हो गया, कैलकुलेट द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालो कि जो आपने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इसकी इनपुट पावर क्या है और इसकी आउटपुट पावर क्या है, और वो बेटा कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो पावर कैरेक्टरिस्टिक का सी पार्ट बेटा, कितनी पावर दी थी बेटा 1400, ईएमएफ निकालना है 1400 किलोवाट, और करंट कितना पास होता है बेटा 200, तो ई जो होगा यहां जो इसका सेकेंडरी ईएमएफ होगा ईएस, वो हो जाएगा बेटा कितना 7000 वॉट। ये 220 था, ये 400 हो गया, ये हो गया 7000 वोल्ट, और ये कितना था बेटा 440 वोल्ट। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो बराबर हो जाएगी कितनी बेटा 440 और बेटा 7000 वोल्ट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ब्रेविज, अंजलि, यस सर, बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर। बहुत आता है ये क्वेश्चन बेटा, इतना ज्यादा आता है कि आपको ट्रस्ट भी नहीं रहेगा। सर एक बार लास्ट वाला बता है बेटा, लास्ट वाला ये बेटा, यस सर यही बेटा, इसे यहां से 1400 किलोवाट की सप्लाई करनी थी, ये 440 था, तो ये कितना वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज को निकालने का तरीका था पावर डिवाइडेड बाई करंट, इसमें कितनी करंट पास हो रही है 200, तो ये बेटा कितना आ गया 7000 वोल्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक होगी ये 440 को किसमें बदल रहा है बेटा, स्टेप अप है ना, 440 को किसमें बदल देता 7000 में। ठीक है सर, ठीक है। इसके बेटा सारे क्वेश्चन हो चुके, और बेटा इन क्वेश्चंस को एक बार खुद करेंगे, इसे तो जरूर करेंगे, और ये अगली क्लास तक असाइनमेंट जो भेजा था उसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, नहीं तो सबके मम्मी पापा से मैं बात करूंगा बेटा, सब बच्चों का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, और जिन्होंने फी सबमिट नहीं किया वो फी सबमिट करें। और बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर।